ज्यादातर देखा गया है कि जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुलती है तो किसी भी अच्छे शहर में, लाइक जैसे हम दिल्ली में रेंट पे ऑफिस लेंगे, काम स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा क्या रीजन थी कि आप दिल्ली में इतनी बढ़िया ऑफिस ले सकते थे, उसके बावजूद आपने अपनी ऑफिस से काम क्यों स्टार्ट किया? देखिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ लग सकता था, लगा आपका, तो अपनी ऑफिस क्या लॉजिक थी? और मजे की बात कि अपने शहर में भी आपने नहीं खोला, अपने हाईवे पे खोला। ये भी एक बात आती है कि भाई ना तो दिल्ली में ना तो रोहतक में, रोहतक से 10 किलोमीटर पहले मेन हाईवे पे, तो इसके पीछे लॉजिक क्या था? देखिए, पहली चीज अखिलेश जी, एक चीज को समझिए, जब आप बिजनेस करते हो ना तो सबसे पहली चीज जो उसमें आती है वो दो चीजें मैं हमेशा फोकस करता हूँ, एक बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए और दूसरा सस्टेनेबल होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, राइट। अगर आपका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल और स्केलेबल नहीं है तो ना तो आप ग्रोथ कर पाओगे, और ग्रोथ कर ली तो फिर अगर सस्टेनेबल नहीं है तो आप टिक नहीं पाओगे। जी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, स्केलेबल भी होना चाहिए और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। अपने शहर में अपने ऑफिस को लेके आने का पहला पर्पज सिर्फ ये था कि ज्यादा समय दिया जा सकता है। जी। जो शायद आप लोगों को इतने सालों में दिखा भी होगा कि डे नाइट हम काम कर पाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा ये था कि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जब आप कहीं दूसरी जगह ऑफिस बनाते हो जो आज बहुत कम लगते हैं लेकिन फ्यूचर में वो सहसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। हम शोबिज कंपनी नहीं है, हम दिखावे पे चलने वाली कंपनी नहीं है, तो हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हम वेयर हाउस बना सकें, जहाँ पे हम ऑफिस बना सकें, जहाँ पे हम लैब बना सकें, जहाँ पे हम फैक्ट्री बना सकें, और ये सब है ना भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बाहर हो, जहाँ लोग इजीली पहुँच सकें। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि यहाँ ऑफिस होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। मुझे लगता है ऑफिस वहाँ होना चाहिए जहाँ आप बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। दैट्स इट। इसके पीछे क्या लॉजिक था कि आप क्या साबित करना चाहते थे कि नहीं पहले आरएनडी टीम बनाऊंगा तो साथ में ये शुरू करूंगा? इसके वो चैलेंज ये था कि कोई भी कंपनी फॉर्मुलेशन पे काम ही नहीं कर रही थी। मैक्सिमम कंपनी आप देखिए सिंगल इंग्रेडिएंट पे काम कर रही थी। जी।